यूपी से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते मैम। सर, नमस्ते जय हिंद अनीता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर। वो जैतून के सिरके के साथ और हम गोंद चिलगोजा ले सकते हैं क्या? और ये जो गोंद चिलगोजा, इसे सभी लोग ले सकते हैं क्या? स्वस्थ स्वस्थ आदमी भी ले सकते हैं क्या? ठीक है। हाँ, जैतून के सिरके के साथ गौन चिलगोजा ले सकते हैं, और सब लोग नहीं ले सकते। स्वस्थ लोग जो बालिग हैं, जो वयस्क हैं, वो ले सकते हैं। बच्चे इसको इस्तेमाल ना करें, गौन चिलगोजा को। और आपको मालूम ही होगा कि गौन चिलगोजा बहुत तेज़ होता है, इसकी एक चुटकी से ज़्यादा कभी इस्तेमाल न की जाए तो बेहतर है। जी, रेणु जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते अकीम जी साहब। जी जय हिंद, हेलो। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। हाँ, मुझे है ना, एक तो थायराइड है, यूट्रस का ऑपरेशन करा हुआ है, थायराइड का भी ऑपरेशन करा हुआ। मुझे है ना, पूरी नसों में ऐसे चर्बी की गांठें जमी हुई है, एडियों से चलने में दिक्कत है बहुत नसों में, और कमर में भी गैप आया हुआ है, हड्डियां भी मेरी बहुत कमजोर हो गई है, चलने में दिक्कत होती है कमर की। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 54। ठीक है। देखो बहुत दिक्कत, मुंह में भी ऐसा, जुबान से सारी काली काली हो रही है, नसें ब्लॉक हो रही हैं। ठीक है मैम। और दूसरा सवाल है, मेरी भाभी को आंख की नस दब गई है, उससे ना एक आंख में दिखने नहीं आ रहा है, दूसरी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। और देखिए, नसें खोलने के लिए नमक जैतून और खाने का सोडा अपनी भाभी को दीजिए, और 5-6 महीने लगातार दीजिए। दो चुटकी नमक जैतून, दो चुटकी खाने का सोडा, दिन में 2 बार, खाने से पहले या खाने के बाद पानी में मिलाकर देना है, और 5-6 महीने लगातार देना है, तब उनको फ़ायदा मुमकिन है। गौनसिया भी नसों में और जोड़ों में फ़ायदा करता है, इसलिए गौनसिया भी आप भी ले सकते हैं। गौनसिया आधा आधा ग्राम लेना होता है 2 बार खाने के बाद। खाने के बाद आधा आधा ग्राम गौनसिया खरीदें, और असली खरीदें, और दूध या पानी से लें। आपको पानी से लेना बेहतर है, और पानी भी कौन सा, ऐसे दो चुटकी नमक जैतून और दो चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से गौनसिया आधा ग्राम खाने के बाद खाएं। दिन में 2 बार खाना है, तो इससे आपकी गांठें को पिघलना चाहिए, और आपके जो शरीर में गैप आया हुआ है, कमर में गैप आया हुआ है, नसों में, और आपकी ज़बान में जो परेशानी है, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बात करते हैं जैनब से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। सलाम वालेकुम जी साहब। वाले सलाम जनाब। जी साहब, मेरे 3 सवाल हैं। जी बताएं। जी पहला सवाल तो मेरा ये है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। अभी मैं दिल्ली गई हुई थी तो मैंने वहाँ चेकअप कराया, क्योंकि मेरे मुंह से ना एक तरीके का म्यूकस सा निकलता था और छींके भी जो है वो आती रहती थी। तो उन लोगों ने मुझे दवाई दी और ये इनहेलर जो होता है ये दिया, लेकिन मैंने ये छोड़ दिया। मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा था, उसमें ये नुस्खा बताते हैं, वो उन्नाव वाला, तो जी मैंने वो यूज किया है। लेकिन उससे ना मेरा पेट, दूसरा मेरा ये, मेरा पेट बहुत खराब रहता है किम साहब। तो वो जो मैं आपका ले रही हूँ, तो उससे मुझे लैचिंग थोड़ी पतली सी हो रही है, मतलब पतली भी नहीं ज्यादा, दस्त भी नहीं कह सकते, और अजीब सी लैचिंग, मतलब बीच की हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि आंतों में, मतलब किसी के कोई प्रॉब्लम हो जाए, खाना हजम ना हो रहा हो, तो उसके लिए जो आप 6 चीजों का नुस्खा बताते हैं, वो 6, मतलब सौंफ धनिया उसका, तो वो ले सकते हैं? ठीक है। और चिंता मेरे पेट के लिए जरूर बता दीजिएगा, ये नुस्खा तो मैं आपका ले रही हूँ, लेकिन मेरे पेट के लिए जरूर बता दीजिए, इसी से हो जाएगा या कोई और सा नुस्खा लूँ मैं आपका? ठीक है मैम।
अच्छा देखिए, ये छह चीज़ों का जो पाउडर है, इससे पेट का मसला हल होता है। वो छह चीज़ें जो हैं वो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, ये छह चीज़ों का पाउडर है। इसको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लेते हैं और नमक जैतून से खाते हैं। नमक जैतून एक या दो चुटकी पानी में मिलाएं और इस पानी से ये नुस्खा खाते हैं। आप भी ये एक वक्त ले लिया करिए या दो वक्त, तो आपका पेट भी अच्छा होने लगेगा। और ये जो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी वाला नुस्खा है, ये किसी किसी को कुछ दिन तक ऐसा करता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये आप 6-7 महीने लगातार लेंगे तो आपको राहत होगी। ये मत सोचना कि आप एक महीना ले लें और आपको फ़ायदा हो जाए। तो एक महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आपको 6-7 महीने लगातार लेना है, अगर आपको अपनी बीमारी से निजात चाहिए।